हेलो गाइज, मेरा नाम है विशाल तनवर और मैं भोपाल थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो यार, इस वीडियो में आपको बताऊंगा 6 डूज एंड डोंट्स फॉर योर नीट प्रिपरेशन। इस वीडियो में आपको डूज के बारे में बताऊंगा और अगली वीडियो में आपको डोंट्स के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले डूज में क्या आता है, सबसे पहले रीड एनसीईआरटी की, फॉर एग्जांपल बायो की एनसीईआरटी आपको लाइन टू लाइन पढ़ी हुई होनी चाहिए और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए उसके। दूसरा ये है जो मैं कई बार अपनी वीडियोस में बोलता हूँ कि मेक ए सूटेबल टाइम टेबल, प्रैक्टिकल टाइम टेबल, इमेजिनरी टाइम टेबल ना बनाए। ऐसा ना हो कि आपने टाइम टेबल बनाया और वो कंप्लीट नहीं हो रहा आपसे, क्योंकि वो अचीवेबल नहीं है, उससे आपको ज़्यादा टेंशन मिलेगी। और ये बिल्कुल आपको करना ही है आपको कि मेक ए टाइम टेबल, प्रैक्टिकल टाइम टेबल। तीसरा ये है कि नो योर सिलेबस। जब तक आपको यही पता नहीं होगा कि मेरा सिलेबस क्या है, तो आप फालतू का पढ़ेंगे और अपना टाइम वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो अपना सिलेबस आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। चौथा, आपको वेटेज भी पता होना चाहिए हर टॉपिक का और हर चैप्टर का, हर एक सब्जेक्ट में। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये पता होना चाहिए कि फिजिक्स में ऑप्टिक्स जो चैप्टर है, ऑप्टिक जो यूनिट है, उसमें कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा टॉपिक उसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके आने के ज़्यादा चांसेस है एग्ज़ाम में। और अगला डू ये है कि अपनी एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, एक्सरसाइज करें, अच्छा खाएं, अच्छे इन्वायरमेंट में रहें, ठीक है। और अपना एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट डू, मेक द शॉर्ट नोट्स। हर सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स बनाएं, ताकि आपको रिवीजन में आपको दिक्कत ना आए, चाहे फॉर्मूला की अलग से नोटबुक बनाने की बात हो, चाहे बायो के इंपॉर्टेंट पॉइंट, केमिस्ट्री एक्सेप्शन, फिजिक्स के फॉर्मूला, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट।